बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर सीधे राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का दौरा है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों की यहां पर वे बैठक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों, कांग्रेस अध्यक्ष और विधायकों की यहां पर अहम बैठक होगी। पार्टी की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया भोपाल दौरे पर हैं। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों की यहां पर बैठक ली जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष और विधायकों की भी इसमें अहम बैठक होगी, जिसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव फोनलाइन पर मौजूद है। वैभव, जानना चाहेंगे, भोपाल दौरे पर हैं प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, आखिर क्या कुछ अहम रणनीति बनाई जाएगी और किस तरह के टिप्स यहां पर बावरिया के द्वारा पदाधिकारियों को और विधायकों को दिए जाएंगे? चुनावी साल है, चुनावी साल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, वो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश के हर शहर में जा रहे हैं, वहाँ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो देखने में आया है कि जो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता होता हुआ, उसकी जो बात है वो आला नेता तक नहीं पहुँच पाती। जो संवादहीनता, जो संवाद ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, संवादहीनता की स्थिति जो उत्पन्न हो गई, उसको दूर करने के लिए प्रदेश प्रभारी लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। उसी क्रम में राजधानी भोपाल में आज उनकी दो बेहद अहम बैठक है। पहली बैठक है कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों की, जहां वो जाएंगे और जो ओबीसी जो कार्ड बीजेपी के द्वारा भी खेला गया था, उस कार्ड को लेकर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, उसको जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कांग्रेस के साथ कैसे लाया जा सकता है, उसको किन मुद्दों पर उनको बात करनी है, क्या रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो भावांतर योजना है, महिला अपराध जो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी की हम बात करें तो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और शिक्षित बेरोजगार जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस स्थिति को लेकर किस तरह से निपटना है, जो मुद्दे हैं इसको जनता के बीच में किस तरह से लेके जाना है, इसको लेकर भी दीपक बावरिया बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे, जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दीपक बावरिया सबको यही टिप्स देंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि काम नहीं किया है, लेकिन उसका विज्ञापन इतना किया है कि ऐसा लग रहा है कि सारा काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, जो स्थिति है इसके बारे में जनता को बताना है। कितनी अहम मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की बातें सामने आती रही हैं और इससे पहले भी कई बैठकें आयोजित की गई जिसमें सिर्फ गुटबाजी को लेकर ही अहम टिप्स यहां पर पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन अब ये बैठक जो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा ली जा रही है, आखिर कितनी अहम मानी जाए, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इसमें? बेहद अहम बैठक रहेगी, क्योंकि अब से पहले मुंगावली और कुलार के जो उपचुनाव होने थे उसको लेकर पार्टी के जो इतने ही बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो सब मुंगावली और कुलार में एकजुट थे और वहाँ पर वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब जो बात है वो चुनावी साल की हो गई है, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दीपक बावरिया से कई बार सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी है, तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी अगर पार्टी के लिए होती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर गुटबाजी पार्टी की विपरीत दिशा में पार्टी को ले जाने का काम करती है तो वो गुटबाजी ऐसी नहीं होनी चाहिए। गुटबाजी से निपटने के लिए दीपक बावरिया इस बैठक में टिप्स देंगे। साथ ही अभी हमने देखा कि मुंगावली और कुरास में जो उपचुनाव हुए, वहां पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे वो एक ही मंच पर नजर आए, तो एक तरह से संकेत देने की कोशिश की दीपक बावरिया के मध्य प्रदेश आने के बाद बड़े नेता भी एकजुट एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं, तो बेहद अहम हो गया है बीजेपी के लिए भी। कि कई बार हमेशा बीजेपी ये बात करती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन जब कांग्रेस के सारे नेता एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए भी ये जो एकजुटता है परेशानी का सबब बन सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जानकारी देने के लिए।